से प्यारे से हमारे YouTube फैमिली में कुछ लोग हैं जिनसे मैं इतनी देर से बात करी एकदम दोस्तों की तरह, तो बहुत अच्छा लगा। कानपुर से आए हो, नाम बताओ। शिफा ताज। शाजिया, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके। जब से कार की डिलीवरी हुई थी मैंने ये बलून्स नहीं फेंके थे, तो अब सनी ने हटा रहा था और मुझे बेटी खाला के घर छोड़ने आया था। जल्दी 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 काम चल रहा है, बहुत जल्दी बना दिया 2-3 दिन के अंदर। बनाते जा रहा है ना। अच्छा, ये बाहर क्या है, बैलकनी। ये सारा सामान मेले से बेटी खाला के लिए लिया था, लेकिन बैग सारे घर चले गए थे, तो हम अभी लेके आए उनको देने के लिए। शॉल उन्हें दिलाई थी और ये वाली शॉल अम्मा के लिए ली थी, मतलब नानी के लिए। और ये वाली शॉल बड़ी प्यारी सी आई थी मेले में इस बार, बहुत सॉफ्ट सी है, एकदम बिल्ली के बाल जैसी। एडिट कर रहा था, गुस्सा नहीं होना, 5 मिनट लगेंगे। घर में आ गए चलो। फ्रेंड्स, मैंने इससे कहा क्या पहनूं, तो कह रहा ये तुम्हारा बहुत खतरनाक है, क्या पहनूं। मुझे समझ नहीं आता कि क्या पहन ले, तुम देखोगे मैं क्या पहन ले। चमक रहे हो आज माशाल्लाह, सब तुम्हारी दुआओं का असर है। फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह से मैं ब्लॉग तो बना रही हूँ लेकिन आपसे इस तरह मिली नहीं हूँ। फाइनली अब टाइम मिला है कार में बैठ के, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पार्टी में। आज हमारी तरफ से सनी के सारे दोस्तों के लिए पार्टी है, जो कि बहुत टाइम से ड्यू थी। शादी की भी पार्टी थी और न्यू कार की भी पार्टी थी। चलिए वहाँ चलते हैं, मैं रेडी हो गई हूँ। जैसे जैसे टाइम मिला है, क्योंकि आज बहुत कम टाइम था, आपने देखा ही होगा, चलिए वही वेन्यू पे पहुँच के आपसे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा वीडियो जो अब तक अपलोड नहीं हुआ था, तो मेरा ध्यान थोड़ा वहाँ पे भी लगा हुआ था। बलून भी लगा दिए। सही है। पहले भाई हमारे आए तो उस वजह से हमको इमरजेंसी में डेकोरेशन था। आप डेकोरेशन नहीं है, फुल डेकोरेशन नहीं है। अच्छा है ना, अच्छा है। पहली बार हम लोग हमारी तरफ से पार्टी होस्ट कर रहे थे फॉर्मल टाइप की, तो मुझे तो बड़ी शर्म भी आ रही थी क्योंकि मुझे ये सब नहीं आता है। तो जैसे जैसे लोग आते जा रहे थे, हम सबसे मिलते जा रहे थे। कम ही लोग थे, कुछ लोग थे, लेकिन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास थे। और इस तरह के लोग थे कि आपके साथ सुख में तो रहेंगे लेकिन कुछ परेशानी में सबसे पहले खड़े रहेंगे। अल्लाह इस तरह का साथ ज़िंदगी में हर एक इंसान को दे। खदीजा है फुरकान की बेटी, बड़ी प्यारी है। वहाँ पे बैठ के जैसे मैंने व्लॉग डाला वो सबसे पहले देख रही थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। गेस कर लो। हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। गेस सही किया है, गलत, वर्ड्स गलत। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। बस फिर सब लोग आके बैठ गए थे और खाने का इंतज़ार कर रहे थे। सब ने हंसी मजाक की, बातें की, और देखो मुझे हरी मिर्ची भी दी उन्होंने स्पेशली। और खाने में हमने वेज रखा था क्योंकि सब लोग नॉन वेज खा के काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। पूछ तो लेती। जब सब लोग आएंगे तो पूछ रही है, अभी हम खिला रहे हैं। कैसा है खाना? अच्छा। ऐसे लगा इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं। मेरे भाई से बढ़ के भी है ये वो लोग हैं कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे भाई से बढ़ के दोस्त हैं मेरे। क्या बोल रहे हैं, हमारे भाई ज्यादा भी अजीज है। और हमारी फ्रेंड सर्कल ऐसी है कि शायद ही किसी की फ्रेंड सर्कल। सही बात, बिल्कुल बात सही। और अब ये लोग मुझे सनी से ज्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेशक, क्योंकि ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। सब लोग आ चुके हैं पार्टी से, काफी ज्यादा अच्छा लगा सबसे मिलकर। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सनी की जो फ्रेंड्स हैं वो काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं और हमेशा हर तरह से, और इतनी ही प्यारी उनकी वाइफ है। सब मेरे साथ बैठ के मुझे एक बाइट खाना खिला रही, इतना पैम्पर करती है, बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलकर। अभी बस कल हमें निकलना है मुंबई के लिए, कल हम मुंबई जा रहे हैं। मेरा भी सबसे इतना ज्यादा मिलने का मन था कि मैंने फिर वो जो हनीमून वाला जो टाइम होता, मतलब अब हस्बैंड वाइफ जाते हैं, मेरा भी इतना मन नहीं कर रहा था। सनी ने हमने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग वो इंशाल्लाह बाद में चलेंगे, तो अभी सनी जाएंगे मुंबई मुझे लेके, उसके बाद छोड़ के आ जाएंगे। मैं चेंज करूंगी, पैकिंग भी करनी है, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं, ख्याल रखना। चलो याद आएगी तुम्हारी, बात करते रहना। हाँ ठीक है, करती हूँ। तुम तो नहीं उदास हो? मुंबई जाने की खुशी भी है और यहाँ से जाने का गम भी लग रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, जब आपको जहाँ पे इतना ज्यादा प्यार मिलता है तो आपको वहाँ पे अच्छा लगने लगता है। थोड़ा सा अफसोस, अफसोस नहीं, मलाल टाइप, मलाल भी नहीं कहेंगे, क्या कहते हैं उसको,
सैड लग रहा है, गम है कि सनी फिर दो दिन बाद आ जाएगा ना, तो फिर बहुत ज्यादा याद आएगी क्योंकि उसने इतनी ज्यादा केयर की आदत डाल दी है। लेकिन कोई बात नहीं है, हाँ रोऊंगी नहीं, मैं खुशी खुशी जाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि अम्मी सब लोग इतना ज्यादा इंतजार कर रहे हैं रिजर्व यहाँ। नेक्स्ट डे हो गया है फ्रेंड्स, और हमारे यहाँ जो हाउस हेल्प आती है उनके यहाँ शादी है तो उनको इयर रिंग्स चाहिए थे, तो ये हम उनके लिए लाए हैं। अच्छा लगता है आपसे मिलने से, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप आते हो घर, फैमिली के साथ रहते हैं, सही बात, कोई फर्क नहीं कर पाता कोई, नहीं नहीं बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छे हो, काम भी अच्छे अच्छे जल्दी जल्दी करते हो, उतना ही हंसाते हो, बात भी करते हो। अच्छा बहुत गुड, अरे वाह चाहिए। प्लस चलो हम थोड़ी सी पैकिंग कर लेते हैं, फिर निकलना भी है, टाइम भी जा रहा है। जिब्रान ले लो, और कौन सी चाहिए? थैंक यू बुआ। अरे वाह प्यारा, अरे कितना प्यारा सा बाबू है। आज निकलना है, बेटी खाला के आए थे, बेटी खाला ने सारी चीजें जो मेरी यहाँ पे छूटी हुई थी, अब ये सारी चूड़ियाँ ये सब तो मैं नहीं लेके जा सकती, फिर इंशाल्लाह यही आएंगे तो फिर यूज करेंगे, बाकी जो सामान था वो ले लिया है, कुछ खाने की चीजें सबने दे दी है। चलो खा लो बेटा, बाद में जो है मुलाकात होगी, चलिए दुआ करिएगा। हाँ मिलते अगर टाइम से आ जाओगी तो फिर मैं जो है, और या तो आप मुंबई आ जाओ। यहाँ पे टेलर का घर है तो हम सूट लेने आए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि शादी न करना वरना जिंदगी तुम्हारी बदहाल हो जाएगी, परेशान हो जाओगी। इसमें तुम परेशान हो? हम तो बहुत खुश हैं। फिर तो क्यों बता रहे भाई, दिन भर बिजी काम बताएंगे, दिन भर यहाँ ले चलो टेलर के यहाँ ले चलो, कपड़े उठवा लाओ, ये ले आओ वो ले आओ, आदमी जिंदगी खत्म भैया, आदमी जिंदगी खत्म बिल्कुल। तुम्हारी तो अभी हुई नहीं है, फिर हमारी हुई नहीं है, लेकिन हमें बहुत आइडिया है बारे में। खत्म, टाटा बाय बाय वाले साहब, बस अगर तुमने कहीं अभी हम 10 मिनट में आ रहे हैं तो ले गुस्सा, ठीक है 8 बजे खाना खाने आना। क्या नाम है तुम्हारा? अरमान मधुबिया। किसने बताया था यहाँ सब खड़ी है? देखा था छत से, ठीक है हो गया। मैंने कहा मत जाओ गुड़िया। हमें बदनाम करते हो ना खाने के लिए। वालेकुम सलाम, आ जाओ। वालेकुम सलाम, जा रही तुम्हारी भाभी है बम्बई, फिर मिलेंगे, ठीक है बाय शेफा। इंसान कैसा जिंदगी है, एक हाथ में सामान लिए एक हाथ तुम्हारा शूट भी कर रहा है, थैंक यू, मेरे सारों को भी कह रहा है कि चलो भाई चल रहे हैं, उनका भी ध्यान दे रहा है, ये जिंदगी है। 2:30 बज रहा है अभी, हम लोग घर आ चुके हैं, हमें 3:30 पे निकलना है, छोटी मोटी लास्ट की पैकिंग बची है, हमने मेले से लिया था, जल रहा है ये देखो, ले जाओ मुंबई इसको। नहीं रखूंगी, रात में जब सोना तो इसे जलाना, और ये प्लाट नहीं फेंकना। अरे वाह ये तो बहुत से चल रहा है, ये पॉट लिया था, नहीं जाओ। ये पॉट फ्रेंड्स हमने यहाँ पे रख दिया है, और सनी सूटकेस लगा रहे हैं, पूरे घर का सामान लेके जा रही हूँ क्या? सब कुछ यहीं छोड़ के जा रही हूँ। आप ये नहीं सोच रहे कि आपका काम आसान किया, सिर्फ एक ही बैग लेके जा रही हूँ। बढ़ा दिया बेटा, मैं बैठू? और एक ही ले चले। आप इतना भारी उठाने में ऐसे कर रहे हो, और मैं जो इतना भारी उठा के लेके जा, दिख रहा है सबको, दिख रहा है तुम कितना भारी लेके जा रही हो। ये सूट फ्रेंड्स स्पेशली अम्मा ने मुझे मुंबई जाने के लिए दिलाए थे, तो ये हम लेके जा रहे हैं, अभी स्टिच करा के लेके आए हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। जब निकलने से पहले अम्मा से और मामू और मामी लोगों से भी हम मिलने के लिए आ गए हैं यहाँ पे। अच्छे से जाना है बेटा, जा रहा है, जा रहा है, ठीक है दुआ करिए, हम दे देंगे रिजल्ट को, ठीक है अल्लाह। और जो करता हूँ सुना नहीं, नहीं, कुछ नहीं, नहीं, माफ कर नहीं, देना है? और इर्फ़ को सलाम से देना, सितारा से ध्यान ध्यान सबको। चले चलो, क्या है आपकी वॉच पहन ले, मिस करूंगी। हाँ बहुत ज्यादा इसको मारना नहीं, इसको बोल दो तो मेरा भी ख्याल रखेगा वो। निकलने से पहले हमेशा सदका करना चाहिए, हिफाजत रहती है, तो वही पैसे अम्मा हम लोग को टच कर रही थी और किसी जरूरतमंद को दे देंगी। बबलू भाई भी आ गए हैं हमें झांसी तक ड्रॉप करने जाने के लिए। एक लड़की रो रही है भैया, जा रही है, ओए ओए ओए, एक लड़की रो रही है, एक लड़की रो रही है, ये देखिए हमारी सभा का जहां, तो भैया चाय पी रही है, देख लो इसको।
बन गया क्या? अरे गंदी ज्यादा है ना, इसलिए साफ कर लिया। कैसा लग रहा है सीट तुम्हारी हो गई बैकवर्ड? अब तुम्हें बहुत मजा आ रहा है इस टाइम। हाँ, अरे खुशी का इजहार नहीं कर सकते, अब आगे खुशी का इजहार लास्ट में करेंगे रिजल्ट। मुझे पता है चुनाव ये सब कुछ नहीं पता था, जब से इन लोगों से मिली तो मुझे इतना इंतजार था कि कब ये बबलू भाई की सीट आ जाए। बबलू भाई की सीट आ रही है, अब इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ना है। हम लोग झांसी पहुंच गए हैं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम था, दूसरे ने बोला घुमाते हैं। ये है झांसी का किला, अभी हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, रात हो गई है, तो अभी हम जा रहे हैं पार्क। पहली बार मैं झांसी में भी आया हूं। हाँ ऐसे आए, वरना स्टेशन से निकल जाते हैं, पहले मामू रहते थे तो उनके घर जाते थे, लेकिन ये पार्क हम पहली बार देख रहे हैं। क्या नाम है पार्क का? रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। कैसा लगा तुम्हें आगे? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? झांसी आएंगे ना आप, मुझे किला दिखाना, मुझे ऐसे वो हिस्ट्री का वो सब देखना बहुत पसंद है। मतलब असली का जहाँ वो रहती थी वही जगह है? सेम वही जगह है, और जो भी चीजें सारी सेम है, उसमें कुछ भी बनावटी नहीं है। हाँ। पक्का चलेंगे वहाँ पे एक बार, पूरा देखेंगे वहाँ पे। तो हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं स्टेशन। तो अभी कहाँ गई थी तुम? वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई पार्क। जैसे हम स्टेशन आए तो एक प्यारी सी फैमिली हमसे मिलने के लिए खड़ी थी। नमाज पढ़ रहे थे, ईसा की नमाज पढ़ी, चार रकात पढ़ी थी, फर्जी नमाज पढ़ी। अच्छे लग रहे, अच्छे लग रहे अंकल। बबलू भाई की खुशी में हम सब मुंह मीठा कर रहे हैं। तुम्हें कितने लोग पसंद करते हैं? आपसे मिलके भाई हम लोग बहुत बेचैनी हो रही थी कि आपसे कब। आपको बहुत कामयाबी, आप लोग की बहुत अच्छी, आपकी माँ सब लोग, हम लोग देखते हैं लोग बहुत अच्छा। मेरा सलाम बोलना सब भाई से, भाभी को भाभी से। अच्छा, देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपके खाना पहले कब था कि व्लॉग देखती है? आपका बहुत मिस करती हूं अभी से, नहीं लॉकडाउन से 2018 से। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी फैमिली मिली थी, उनसे मिल लिया है। अभी भी फ्रेंड्स एक घंटा हमारी ट्रेन का, तो बबलू भाई जो है वो बहुत ज्यादा खुश है इस दिन का, वो बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे और दो तीन दिन से ये था कि सीट आने वाली है नहीं आने वाली है, तो फाइनली वो इलेक्शन लड़ सकते हैं उनकी फैमिली में से। बस इसीलिए वो हम सबको स्वीट्स दिला रहे हैं कि तुम लेके जाओ अपने घर। हम आए हैं यहाँ पे मनोज स्वीट। टेबल ऊंची है या चेयर छोटी है या हम छोटे? टेबल ऊंची है, चेयर छोटी है। कैसी है? स्टोरी देख के ही कर गए तो पार्क से देख के रानी लक्ष्मीबाई पार्क है। इसके चक्कर में मुझे सीढ़ियों से जाना पड़ रहा है। भैया मिलिए, इतनी खुशी हुई बता नहीं मायके वाली ट्रेन आगे।
चलो चलो ताकत लगाओ। 8, 9 और 10 किसी को तो इतनी भूख लग रही है, कब बैठे हो भाई, जब बारी भूख लग रही है। जैसे ही बैठे वैसे ही हम लोगों ने कहा कि बस खाना ले आइए, क्योंकि सनी को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और खाने में हमने वेज वाला ऑप्शन चूज किया था। लगी है रोटी दो रोटी दो भाई रोटी दो। और खाने के बाद हम सबकी फेवरेट अच्छी वाली चाय। कैसी है? इसमें दूध ज्यादा है। बस उसके थोड़ी देर बाद हम लोग सोने की तैयारी करने लगे और अभी हो गया नेक्स्ट डे, मतलब 6 दिसंबर। इतनी जल्दी वन मंथ हो गए, पता ही नहीं चला। उसके बाद हम सब ने ब्रेकफास्ट किया। ट्रेन जो है वो काफी लेट चल रही थी, मतलब 2 घंटा लेट पहुंची है और हम ये पहुंच गए मुंबई और अभी हम पहुंच गए CST स्टेशन। हम लोग पहुंच गए मुंबई और भाई अब्दुल भाई आया क्योंकि भाई सेट पे है, तो चलिए चलते हैं घर। एक्साइटेड और ज्यादा एक्साइटेड है ये, अपने मायके जा रही है, एक्साइटेड भाई है, इसका लेवल अलग ही है इसका। अस्सलाम वालेकुम। ठंड वाले मौसम से इतनी गर्मी में आ गए, कैसा है गर्मी लग रही है? आप लाए थे ये शायद अमन ने दिया था। हमेशा की तरह रिजरियान का यही है, कोई भी चीज टाइम पे नहीं है, हमेशा लेट करेंगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आने नहीं दे रहे। क्यों? अरे खोलो भैया, अरे पापा भी यहीं पे हैं। अरे पापा भी नहीं थे तो सरप्राइज हो गया। अरे सनी को दे रहे, कैसे दे रहे सब करके रख रहे हैं। क्यों? ये देखो, इसीलिए बोल रहे कब आओगे, आ जाइए अब्दुल भाई। क्या हाल चाल? सब ठीक सब सही। वो तो देखो क्या लिखा है, कांग्रेस किस चीज के लिए? वन मंथ हो गया। अच्छा, शादी थी यार, एक महीना हो गया। और ये कौन लाया? कहाँ से लाया? एक वहाँ पे इतना बड़ा रखा हुआ है और एक ये कौन हो गया? ये छोटा पैंडा ने बोला था कि इसके पैसे मुझसे ले लो। हाँ। तो रिजा रिहान कहते नहीं हम बिल्कुल नहीं लेंगे, दोनों अपने से लेके आए कि हम देंगे। बहुत पैसे जोड़ लिए रिजा रिहान ने, सबने अम्मी सब लोग मेहनत करी, केक कट करवा के। तालियां बजाओ तालियां बजाओ। रिहान चलो अभी प्रणाम से मिलते थोड़ी देर बाद।